वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बहुत ही कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में पीरियड्स आते हैं, जिसका एक साफ सा और सरल सा जवाब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ विशेष टाइप की ब्लीडिंग होती है कुछ विशेष दिनों पर, जिसको अधिकतर महिलाएँ अपनी पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेती हैं। तो हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन सी ब्लीडिंग है जो कि होती है, और आप इसको कैसे जानोगे कि ये आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली ब्लीडिंग है। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकती हैं, ये बच्चेदानी है, और जब पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो बच्चेदानी की जो अंदर वाली लेयर है, मान लीजिए कि ये बच्चेदानी है और इसकी जो अंदर वाली परत है उसको एंडोमेट्रियम परत बोलते हैं। तो पीरियड्स की ब्लीडिंग जब शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो ये जो अंदर वाली लेयर है ये टूटकर शरीर से बाहर निकलती है ब्लीडिंग के रूप में। इसी परत को ब्लीडिंग के रूप में जब ये बाहर निकलती है तो इसको पीरियड्स की ब्लीडिंग कहते हैं। अब ये टूटकर बाहर क्यों निकलती है? तो देखिए, हर फीमेल की बॉडी हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, और मासिक चक्कर अगर मान लीजिए कि 30 दिनों का है तो 15वें दिन के आसपास अंडा रिलीज होता है, और अगर ये अंडा पुरुष के स्पर्म के साथ मिलता है तो अंडा फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद ये जो अंडा है ये यूट्रस में जाता है, और यूट्रस में जाके ये इम्प्लांट होता है। कहाँ इम्प्लांट होगा? जैसे कि ये यूट्रस है तो जो अंदर वाली लेयर मैंने आपको बताया, जो अंदर वाली परत मैंने आपको बताया, एंडोमेट्रियम परत, ये फर्टिलाइज अंडा जो कि स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, ये फर्टिलाइज अंडा यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है। ठीक है, अगर इम्प्लांट होता है तो ये जो परत है ये टूटती नहीं है, सिंपल सी बात है। और अगर ये परत टूट जाएगी इम्प्लांट होने के बाद, जो फर्टिलाइज अंडा है, अगर ये इम्प्लांट होता है यूट्रस में और ये परत टूट जाती है तो शरीर से ऑफकोर्स बाहर निकलेगी, और अगर ये शरीर से बाहर निकल जाती है तो ऑफकोर्स प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो रूल ऑफ द थंब ये कहता है कि किसी भी महिला को अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो एंडोमेट्रियम परत नहीं टूटेगी। ठीक है, और अगर ये परत टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है तो रूल ऑफ द थंब ये कहता है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस बात को हमने प्रूव कर दिया है कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आते हैं। हालांकि बहुत सारे ब्लॉग्स में, वेबसाइट में, और यहां तक कि यूट्यूब वीडियो में, और आप अगर कमेंट सेक्शन भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी महिलाओं का ये दावा होता है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स आते हैं। अब ये बात कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, प्रेगनेंसी के कुछ विशेष दिनों पर कुछ विशेष टाइप की ब्लीडिंग होती है। तो वो कौन कौन सी ब्लीडिंग है और आप कैसे जानोगे कि ये आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग है या फिर प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग है, उसको हम लोग एक एक करके आइए समझते हैं। तो जो फर्स्ट कॉमन ब्लीडिंग है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि जब महिला का अंडा स्पर्म के साथ मिलता है तो अंडा फर्टिलाइज होता है और वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है, और जब ये इम्प्लांट होता है तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अब इसे आप कैसे समझोगे कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड्स ब्लीडिंग है? तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो रंग है वो हल्का पिंक कलर का या लाइट रेड कलर का होगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कोई क्लोट नहीं आता है, जैसा कि पीरियड्स की ब्लीडिंग में होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपकी पीरियड साइकिल की डेट जब मिस होने वाली हो, या पीरियड साइकिल की डेट के मिस होने के अराउंड ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अगला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कंफर्म कर सकते हो, वो ये है कि जब भी आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी उसके 3 दिन के बाद आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि आपको ये पीरियड्स की ब्लीडिंग है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अगली जो ब्लीडिंग है
वो होती है थ्रीटेंड अबॉर्शन। अब इस ब्लीडिंग में क्या होता है और ये क्यों होती है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइज अंडा है वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है। अब जब ये इम्प्लांट हो जाता है प्रॉपरली, तो किसी वजह से अगर इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं होता और एक साइड से अगर इम्प्लांटेशन उखड़ जाता है, तो उसको पेरिजेस्टेशनल ब्लीड करके अल्ट्रासाउंड में मेंशन किया जाता है वैसे तो, लेकिन इस कंडीशन को थ्रीटेंड अबॉर्शन कहते हैं। इसमें आपको जो ब्लीडिंग है वो हैवी फ्लो के साथ भी हो सकती है, थोड़ी लाइट ब्लीडिंग भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत क्लॉट भी पास आउट हो। अब इसको आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, एक तो आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा, दूसरा आप अल्ट्रासाउंड से भी कंफर्म कर सकते हो, तीसरा है कि ब्लड टेस्ट जो सीरम बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट है उससे भी आप कंफर्म कर सकते हो, और अगला पॉइंट है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि ये जो ब्लीडिंग है ये आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग है या फिर थ्रीटेंड अबॉर्शन में होने वाली ब्लीडिंग है। नंबर थर्ड है मिसकैरेज। अब देखिए जब फर्टिलाइज अंडा यूट्रस में इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन भी प्रॉपरली हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण या फिर कभी कभी जो अनमैरिड कपल्स हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, तो वो जो है गर्भपात की गोलियां खा लेते हैं, या फिर ऐसा कोई लाइफस्टाइल या कोई ऐसी डाइट बाय मिस्टेक अगर ले लेते हैं तो उनसे उनकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाती है, और जब मिसकैरेज होता है तब जो ब्लीडिंग है वो पीरियड्स के फ्लो जितनी या पीरियड्स के फ्लो से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सपोज करो कि किसी महिला को अगर मिसकैरेज होता है तो पीरियड्स की जितनी तो ब्लीडिंग होगी होगी, और अगर फीमेल को डाउट रहता है कि ये जो ब्लीडिंग है ये अलग है और प्रेगनेंसी के साइन ऑफ सिम्टम्स भी अगर फीमेल को लगते हैं और अगर वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो 21 दिनों तक मिसकैरेज होने की कंडीशन में पॉजिटिव आ सकता है, बट अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो जो यूट्रस है वो बिल्कुल आपको खाली दिखेगा। ऐसी कंडीशन मिसकैरेज होने की कंडीशन होती है जिसको केमिकल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से, ब्लड टेस्ट से और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर सकते हो। अगली जो कंडीशन है वो है एप्टोपिक प्रेगनेंसी। जो मैंने आपको प्रीवियस कंडीशन बताई है उन सभी कंडीशन में से सबसे खतरनाक जो कंडीशन है वो एप्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूजली जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होती है, बट एप्टोपिक प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी है वो अंडेदानी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर या बच्चेदानी के मुंह में इम्प्लांट हो जाती है। अब इस कंडीशन में जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है वैसे वैसे जहाँ पर ये प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई है उस जगह को ये रप्चर करने के चांसेस इंक्रीज कर देती है। इसके साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो एप्टोपिक प्रेगनेंसी में पेन प्रेगनेंसी के साथ साथ इंक्रीज होता है, दूसरा कि आपको इसमें ब्लीडिंग हो सकती है हैवी फ्लो के साथ या फिर कम फ्लो के साथ में, नंबर थर्ड शुरू शुरू में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट शो करता है, अराउंड 5 to 6 weeks आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने लग जाता है और जो ब्लड टेस्ट है वो इस टाइम से पहले पॉजिटिव आ सकता है। एप्टोपिक प्रेगनेंसी को आप अल्ट्रासाउंड से भी कंफर्म कर सकते हो अराउंड 5 to 6 weeks, और डॉक्टर की कंसल्टेशन से वाया ब्लड टेस्ट से और अल्ट्रासाउंड से आप एप्टोपिक प्रेगनेंसी को अच्छे से डायग्नोस करवा सकते हो। अगली जो कंडीशन है वो है विड्रॉल ब्लीडिंग, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कपल को अगर जो है पीरियड्स नहीं आते और उन्होंने कंसीव किया होता है, ख़ास तौर पर ये जो कंडीशन ये अनमैरिड कपल्स के साथ में होती है। अब सपोज करो कि अगर किसी अनमैरिड जो फीमेल है उनको पीरियड्स नहीं आ रहे तो वो फिर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं या वहाँ से कुछ ऐसी मेडिसिन या फिर कुछ घरेलू उपाय वो कर लेती हैं जिससे उनको ब्लीडिंग तो होती है लेकिन ऐसी कंडीशन में होती है जब उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की होती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होना उनको ये लगता है कि उनको पीरियड्स आ गए, बट ये जो ब्लीडिंग है वो इन सभी एक्सपेरिमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण होती है।
ऐसी कंडीशन में अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो वो पॉजिटिव आता है, अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो वो पॉजिटिव आता है, या फिर आप अगर ब्लड टेस्ट करवाते हो तो वो भी वो पॉजिटिव आता है। डॉक्टर की कंसल्टेशन से भी आप ये कंडीशन कंफर्म कर सकते हो। तो ये सभी कंडीशन थी जहाँ पर आपको प्रेगनेंसी होने के बावजूद में ब्लीडिंग होती है, जिसको अक्सर फीमेल्स अपनी पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग समझ लेती हैं। इसके साथ ही अगर आपको डॉक्टर के पास जाने में प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो मुझसे डायरेक्टली। जो आपकी डिटेल्स होगी वो पूरी तरह से प्राइवेट रखी जाती हैं, आपकी प्राइवेसी का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।